हजार भूखे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको भोजन खिलाने का प्रोग्राम है। खिलाने वाला एक प्राइवेट व्यक्ति था जो अपनी खुशी से खिला रहा था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ऐसा करे, चैरिटी करे, पर वो ऐसे कैसे करता। उसने एक एनजीओ संपर्क किया कि भाई मैं कैसे बच्चे इकट्ठे करूंगा, आप मेरी हेल्प कर दो क्योंकि आप यही काम करते हो। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, हम कर देंगे। हजार बच्चे इकट्ठे कर दिए उसने एक पार्क में। वो अमीर आदमी गया अपनी फैमिली के साथ, उसने सारे बच्चों को खाने खाने की व्यवस्था करवाई, पूरा अच्छे से खाना वाना खिलाया उन बच्चों को। उस एनजीओ ने पीछे अपना बैनर लगा रखा था और वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी चल रही थी। बाद में मैंने देखा ध्यान से तो उसके बीच में बैनर चेंज हो गया, दूसरा बैनर लगा, फिर वीडियो फोटो, फिर तीसरा बैनर लगा वीडियो फोटो, करते करते छह सात बैनर चेंज हुए, वीडियो फोटो हो गए बहुत सारे अलग अलग एंगल से। तो जो मैं अनुमान कर पाया वो ये कि उस एक ही प्रोग्राम के फोटोग्राफ सबने अपनी अपनी रिपोर्ट में यूज कर लिए, और वो प्रोग्राम किया था एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने, और उन सबने अपनी रिपोर्ट में उस कार्यक्रम में खर्चा हुआ होगा मेरे ख्याल से उस व्यक्ति का लगभग आप मान सकते हैं कि 60-70 हजार रुपए के आसपास, अगर सारा सामान मिला के बात करें, या थोड़ा ज्यादा 1 लाख तक मान लीजिए। और जब कोई एनजीओ उसके बिल बनाएगी तो वो बिल बना देगी 5 लाख रुपए के, क्योंकि क्या खाया, कितना खाया, कितने बच्चे थे, सबके नाम पता नहीं, हजार हैं तो वो बढ़ेंगे 8000 बच्चे थे। 6-7 एनजीओ ने अपने अपने बैनर लगा के वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और सरकार को दिखाने के लिए सबने दिखा दिया कि 5-5 लाख रुपए यहाँ खर्च किए हैं। सरकार से 35 लाख रुपए मिल गए, जबकि उसमें एक निजी व्यक्ति के 60-70 हजार रुपए खर्च हुए, किसी एनजीओ का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसको बोलते मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी। एनजीओ के मामले में इस तरह की रिपोर्ट आमतौर पर ज्यादा होती है, कॉर्पोरेट में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट से मिलकर करके तो मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पर ज्यादा होती है। हाँ, एक वो भी है कि किसी मतलब विदेशी कंपनी से पैसा लिया, विदेशी सरकार से पैसा लिया, सरकार की नीतियों का विरोध करवाया, तो हमने बात की थी ना उस समय